आज हम बनाने जा रहे हैं संदल का शरबत। ये मेरे पास 1 लीटर पानी है, इसमें मैं डालूंगी 25 ग्राम संदल का बुरादा। ये हमें इजीली अवेलेबल होता है पंसार की दुकान वगैरह से, तो इसको हम इसमें भिगो देंगे। अब किसी भी चम्मच से हम इसको इस पूरी तरह हमने भिगो देना है। तो साई रात इसको ढांप के आप रख दें। एक और बाउल में 1 लीटर पानी लिया है, तो ये मेरे पास है गूंद पतीरा 25 ग्राम, इसको भी हमने भिगो लेना है। ये भी सारी रात के लिए भीगा रहेगा, तो फिर सुबह में हम इनको इसका शरबत तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तब तक ये देखिए, रात को जो हमने पतीरा गूंद भिगोई थी, तो ये देखिए ये फूल गई है। तो अब मैं इसे खुले मुंह की देगची में डाल दूंगी। और ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने संदल का बुरादा भी भिगोया था, इसको भी आप देख सकते हैं कि इसका कितना कलर निकल आया है। देखिए इसको भी अब मैं उसी देगची के अंदर जिसमें मैंने गूंद पतीरा डाली है उसी के अंदर डाल दूंगी। तो आइए देखिए व्यूअर्स, इस देगची में मैंने गूंद पतीरा उसके पानी से मैं डाल दी। अब मैं इसमें ये संदल का बुरादा उसके सारे पानी से मैं डाल दूंगी। 5 लीटर पानी शामिल करूंगी। पानी किसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो उसमें परेशान होने की बात नहीं, कि क्योंकि जब ये पकेगा तो पानी ठीक हो जाएगा। जब हम चीनी डालेंगे तो भी हम बाद में चेक कर सकते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना ठीक इसको बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे रख दूंगी और उसके बाद जब ये पकने लगेगा तो फ्लेम मीडियम कर दूंगी। 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए कि संदल का बुरादा है उसका कितना अच्छा सा कलर निकल आया, और जो हमने गूंद पतीरा डाली थी उसके भी उसको वो भी तमाम इसमें उसके जो पीसेस थे छोटे छोटे वो रिजॉल्व हो गए हैं, और इसकी जो लेस थी बनती थी पतीरा गूंद की एक लेस बनती है पकने से वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है व्यूअर्स। अब टाइम आ गया है कि हम इसमें चीनी ऐड करें। मैं इसमें 4.5 kg शुगर ऐड करूँगी। अब हमने इसमें चम्मच हिलाना है कि चीनी कहीं नीचे वरना चीनी देगची के साथ लगेगी। तो इसमें चम्मच हिला दें, थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाएं और चीनी को मुकम्मल तौर पे इसमें रिजॉल्व करें। चीनी सारी हमारी रिजॉल्व हो चुकी है और ये जो अब इसके ऊपर ये वाइट सी झाग सी आती है हमें इसको निकाल लेना है, इसको हमें वेस्ट कर देना है। व्यूअर्स ये अब शरबत तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखिए एक तार जब इसकी बनती हो तो फिर ये इसकी निशानी है इसके तैयार होने की। इसको पतला नहीं होना चाहिए और ना ही इतना गाढ़ा हो कि चीनी दोबारा से जमने लगे। तो बस अब ये तैयार होने के करीब है। तो अब हम इसकी आंच बंद कर देंगे, इसको ठंडा करेंगे और फिर इसको छान लेंगे। अब इसके स्ट्रेन करने का टाइम आ गया। ये मैंने नीचे एक डेगची रखी जिसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और ये स्ट्रेनर इसको भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो अब हम इस शरबत को स्ट्रेन कर लेंगे। जब ये पक रहा था शरबत तो मैंने इसमें फूड कलर भी ऐड किया था, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये देखिए अब हम इन बॉटल्स को फिल करेंगे। हो चुकी है, अब इस मैंने इसमें 1/2 टीस्पून संदल एसेंस डालूंगी। 1.5 लीटर की बॉटल है, इसके लिए 1/2 टीस्पून संदल एसेंस काफ़ी होगा। और फिर हम फौरन इस बॉटल को बंद कर देंगे। अब ये तकरीबन दो दिन के बाद इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा।